मेरे चैनल में सबका स्वागत है। मैं आज जो वीडियो आपके पास बनाने आई हूँ वो है ये सारे क्वेश्चंस के ऊपर। ये सारे सवाल है जो कि कमेंट में बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने, स्टूडेंट्स ने मुझे पूछा था, तो इसलिए मुझे लगा कि सबको इंडिविजुअली आंसर देना थोड़ा सा मुश्किल हो जा रहा है, क्योंकि बहुत लोगों का ये क्वेश्चंस थोड़ा सा ज़्यादा आया है। ये दोनों क्वेश्चंस बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा है, तो मुझे लगा कि मैं एक वीडियो बना के सबका सवाल एक जगह पे सॉल्यूशन दे देती हूँ, ताकि एक जगह पे अच्छे से आपको समझ में आ जाए। और उससे पहले मैं बताना चाहूँगी, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है, फिर अच्छा लगता है, तो आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बहुत सारे शेयर कीजिए, ताकि बाकी एस्पिरेंट्स और स्टूडेंट्स को भी इस किताब के बारे में पता चले। क्योंकि मुझे ना कोई प्रमोशन मिलता है, क्योंकि मुझे कोई भी बुक के पब्लिकेशन कोई भी प्रमोशन नहीं देते। मैं भी आप लोगों की तरह एक एस्पिरेंट थी, लेकिन मुझे अभी पढ़ते पढ़ते बुक पढ़ना इतना अच्छा लगने लग गया है, रिव्यू भी अच्छा लगता है, इसलिए मैं रिव्यू करती हूँ। दूसरी बात, मुझे किसी ने पैसा पेड प्रमोशन नहीं दिया है, जो मुझे लगता है मैं बताती हूँ, और ये सिर्फ एक मेयर सजेशन है। ये कोई भी आपके ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं है कि आप मेरा बात सुने या फिर मेरी बात को फॉलो करें, लेकिन मैं सजेशन देती हूँ ताकि आप लोगों को बुक चूज करने में मदद हो जाए। और मैं जो भी बात बताने वाली हूँ सिर्फ इंग्लिश मीडियम वालों के लिए नहीं, हिंदी मीडियम वालों के लिए भी। इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं एक बात बताना चाहूँगी, ये जो नील कलर की किताब है, ब्लू कलर की जो किताब है ये, और ग्रीन कलर के जो किताब है, जो ये, इन दोनों को ही मैं एक साथ सिक्स एडिशन बोलूँगी, ठीक है। इन दोनों को ही मैं एक साथ सिक्स एडिशन बोलूँगी, क्योंकि जो हरे रंग की किताब थे उसके बाद जो ब्लू रंग की किताब आए थे, तो इन दोनों में कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं आए थे, ठीक है, कोई बदलाव नहीं आए थे, इन दोनों किताब आप एक ही जैसे थे। हालांकि ये जो गुलाबी रंग की किताब अभी आए हैं, इनमें बहुत सारे बदलाव आए हैं, तो मैं इन दोनों का ही मैं मतलब डिफरेंसेस, मतलब इन दोनों में क्या अलग है, क्या बदलाव आए हैं, इनके बारे में मैं बात करूंगी। तो अगर मैं ऊपर इंग्लिश मीडियम वाले बुक के भी बारे में बता रही हूँ, तो आप समझ लीजिएगा कि ये हिंदी में भी सेम चीज़ें बदलाव किए गए हैं। तो दूसरी बात, अब मैं पहले क्वेश्चन पे आती हूँ कि लक्ष्मीकांत सिक्स एडिशन या फिर सेवन्थ एडिशन। पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि ये पूरा आपके ऊपर है। अगर आपके पास पैसे हैं, संसाधन है, तो ज़रूर इस बुक को खरीदिए, क्योंकि ये सही बात है कि अभी जो रिसेंट सेवेंथ एडिशन लक्ष्मीकांत के तरफ से आए हैं उसमें बहुत सारे बदलाव आए हैं, बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं, ठीक है। सबसे जैसे कि आप, एक बात मैं बताऊंगी, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स, क्योंकि पहले जो किताब थे उसमें एससी जजमेंट्स उतने नहीं दिए गए थे जो कि अभी दिए गए, जैसे फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर में, डीपीएसपी में, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज में, हर जगह पे बहुत ही अच्छे से ऐसे छोटे छोटे बॉक्स बना के आर्टिकल्स को लिखे गए हैं, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स को लिखे गए हैं, ठीक है। तो ये मुझे एक चीज़ बहुत अच्छा लगा। दूसरी बात, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, इन सारे मतलब टॉपिक्स के अंदर पहले जितने भी चीज़ें लिखे गए थे उससे भी कहीं ज़्यादा पॉइंट्स को ऐड किए गए हैं, कुछ फंक्शंस को ऐड किए गए हैं, क्रिटिसिजम्स को भी ऐड किए गए हैं, जो कि मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत आपको मतलब हेल्प कर देंगे, बहुत ही मदद हो जाएगी एस्पिरेंट्स और स्टूडेंट्स के लिए। तो ये चीज़ बदलाव किए गए हैं, जो कि सिक्स एडिशन में, जो पहले जो सिक्स एडिशन थे उसमें जो हरा रंग का और नीले रंग का बुक था, ब्लू कलर ग्रीन कलर बुक था, उसमें नहीं था, ठीक है। और वो इस पिंक वाले बुक में, इस गुलाबी रंग की किताब में, इसमें है, यही सेवेंथ एडिशन है, और ये दोनों किताब सिक्स एडिशन है, ठीक है। तो ये मैं अपने आपको, और अगर आप लोग में से कोई भी नए हैं मेरे चैनल में और आप लोगों ने मेरे लक्ष्मीकांत का वीडियो नहीं देखा है, तो मैं बताना चाहूँगी मेरे चैनल में सारे वीडियोस हैं, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। मैंने बुक खोल के दिखाया है कि उसमें जो कैग वाला चैप्टर है उस पर पहले एडिशन में कितना था, दूसरे एडिशन में क्या क्या बदलाव किए गए हैं, ऐसे बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में भी किए गए हैं, तो आप उसको थोड़ा सा देख सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, दूसरी क्वेश्चन, लक्ष्मीकांत फॉलो करना चाहिए फिर स्टडी आई क्यू, इसका भी वीडियो मेरे चैनल में है, उसी में बहुत लोगों ने कमेंट किया था, इसलिए मैं इस क्वेश्चन का भी सोल्यूशन देने यहाँ पे आई हूँ। देखिए, अगर आपके पास स्टडी आई क्यू का किताब है, अगर आपके पास ये किताब है, दिस बुक, तो आपको सेवेंथ एडिशन लेने की उतनी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि दिस बुक कंप्लीट्स एवरीथिंग। इसमें मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे पॉइंट्स को ऐड किए गए हैं, जैसे कि आप देखेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड, दिस पॉइंट। सेकेंड पॉइंट अगर मैं आपको बताना चाहूंगी, जैसे कि हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स में जो भी रेगुलेटिंग एक्ट्स हैं, जो भी चार्टर्ड एक्ट्स हैं, उनके क्या प्रोज है, क्या कॉन्स है, अच्छे से वहाँ पे लिखे गए हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या बेनिफिट्स नहीं हैं,
और दूसरी बात, क्या क्या लॉ कमीशन के रिकमेंडेशन है, ये सारे लिखे गए हैं। पार्लियामेंट्री कमिटीज के बहुत सारे मेंस पॉइंट ऑफ व्यू, अगर इस बुक को आप देखें, ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी कंप्लीट किताब है। तो ये बुक मुझे लगता है कि अगर आपके पास है तो सेवेंथ एडिशन की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि इसमें भी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स बहुत सारे दिए गए हैं। लेकिन कुछ कुछ टॉपिक्स में कुछ ज्यादा जजमेंट्स हैं जो कि हालांकि उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अगर चार पांच जजमेंट्स हैं वहां से आप दो तीन जो वो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको पढ़िए, एक दो छोड़ भी सकते हैं, ठीक है, ये बात है। और दूसरी बात, अगर आपके पास सिक्स एडिशन वाली किताब है, अगर आप सोच रहे हैं कि आप कौन सा किताब लेंगे, सेवेंथ एडिशन लक्ष्मीकांत या फिर स्टडी आईक्यू, ये पूरा आपके ऊपर है, क्योंकि दोनों में ही चेंजेस अभी, अगर अभी क्या बात करें सेवेंथ एडिशन और स्टडी आईक्यू पॉलिटी, ये दोनों थोड़े थोड़े सिमिलर पोजीशन में आ गए हैं। दोनों में से आप कोई भी एक चूज कर सकते हैं। हालांकि कुछ चीज़ें यहाँ पे ज्यादा है मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन आप सेवेंथ एडिशन में पढ़ सकते हैं और खुद से एडिशन भी ऑनलाइन के थ्रू कर सकते हैं। तीसरी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए कि नहीं। एनसीईआरटी अगर आप बात करें तो मुझे लगता है ये एनसीईआरटी बिल्कुल भी नहीं छोड़नी चाहिए, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। इसमें से बहुत बार प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हैं। एक क्वेश्चन मैं खुद मतलब याद कर सकती हूँ कि लिमिटेड गवर्नमेंट के ऊपर कुछ क्वेश्चन आया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इज व्हाट गवर्नमेंट समथिंग, इट वॉज लिमिटेड गवर्नमेंट, ये ऐसा क्वेश्चन दो बार आया था। इस बार 2023 के प्रीलिम्स में भी ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो मैं ये बताना चाहूंगी इसको एक बार पढ़ सकते हैं आप। बाकी एनसीईआरटी के बारे में मैं उतना नहीं बताऊंगी, क्योंकि आप अगर आप लक्ष्मीकांत अच्छे से पढ़ रहे हैं समझ रहे हैं तो ये बुक आप एक बार पढ़ सकते हैं। और ये एक कोर्स है जो कि यूट्यूब में फ्री में मिलता है। मुझे ना अनअकैडमी से पैसा मिला है ना इन सर के थ्रू कोई पैसा मिला है, लेकिन मैंने ये कोर्स किया था यूट्यूब में लक्ष्मीकांत को समझने के लिए, बहुत हेल्प हो गई थी। तो मैं बताऊंगी कि आप, क्योंकि लक्ष्मीकांत का अगर आप यूट्यूब चैनल खोलेंगे बहुत सारे वीडियोस हैं। मैं ये नहीं बता रही हूँ कि सबके अलग जो टीचर्स हैं और भी वो लोग कुछ मतलब वो लोग गलत पढ़ाते हैं, मैं ये बोल रही हूँ कि मुझे इनका पढ़ाना अच्छा लगा था, समझ में बहुत जल्दी आ गया था। तो अगर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है समझने में कुछ चीज़ों को, अगर आप थोड़ा सा गाइडेंस चाहते हैं तो इनके वीडियोस एक बार आप गो थ्रू कर सकते हैं। थोड़ा छोटे छोटे टॉपिक वाइज वीडियोज भी है तो आप टॉपिक वाइज भी देख सकते हैं, या फिर पूरा 33 आवर्स का भी आप देख सकते हैं। तो यही सारे कुछ क्वेश्चंस थे जो कि मैंने आपका सलूशन दे दिया क्वेश्चंस का। और चैनल का थोड़ा सा सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर कीजिएगा। और हिंदी और इंग्लिश एडिशन का सेम ही है जो भी मैंने बताया। और भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, मेरे वीडियोस में कुछ समझ में ना आ रहा हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप लोग ज़रूर कमेंट कर सकते हैं, मैं वीडियोज़ के थ्रू बता दूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।